दोस्तों, मैं आज आपको एक नए वीडियो के साथ हाजिर हुआ हूं और मेरे वीडियो देखिए और गैस स्टोव कैसे रिपेयरिंग करते हैं वो भी आपको इसमें मैं बताऊंगा। आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, आगे का लेटेस्ट वीडियो आते ही आपको दिखे। और आपके घर में गैस रहता है, गैस अगर लीकेज हो गया है और आपने अगर सिगड़ी और स्टोव आपने बिखेर दिया है और आपसे फिटिंग नहीं हो रहा, तो उसको कैसे फिटिंग करेंगे मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। ये बटन निकालने के बाद ये बर्नल के दो नटा रहते हैं, ये बर्नल के आप दो नटा ऐसे आप पकड़ या पकड़ की मदद से आसानी से उसको खोल सकते हो नट को, जिससे आपको कुछ एकदम नॉर्मली वो आप नट पहले रेगुलेटर बंद कर दीजिएगा, उसके बाद ये आप बर्नल आराम से ये निकाल सकते हैं। वैसे ही आप ये जैसे अपन छोटा निकाला वैसे ही अपन ये बड़ा भी निकाल सकते हैं, उसको एकदम मामूली बात रहती है। उसके बाद आपको ये जो गैस को के नीचे निपल रहती है ये खोलने बताऊंगा। खोल के बताने के बाद में मैं आपको आगे सिगड़ी के अंदर कैसे फिटिंग करना है, ये जैसे खोला है वैसे आप फिट कर सकते हो। और जिसका जो नॉर्मल आपको ये वीडियो के अंदर सब आपको दिखा रहे हैं, आप धीरे धीरे इसको चला के चेक कर सकते हैं कैसे खोलोगे। मैं ये निपल खोलूँगा जिससे आपको गैस की फ्लेम आती है उसके बारे में ये जेड रहता है, इसके अंदर आप निप्पल लगा के चेक कर सकते हैं आपके कम गैस आ रहा है वो भी आप कर सकते हैं। ये आपकी निप्पल आपके बाज़ार में आपको 10 से 20 रुपए मिलेगी, वो आप ला के बदल सकते हैं आराम से ये। और बाद में ये आप चेक कर सकते हैं, ऐसा एकदम फ्लेम आएगा क्लियर, आप जैसे चेक कर सकते हैं दोनों, ये देखो आराम से आएगा। और ये उसी तरह ये आपकी ये जो बटन रहता है नॉर्मल अपन बटन को निकाल सकते हैं, निकाल के ये स्पेलेंट रहता है, इस बटन को आप आसानी से वापस फिट कर सकते हैं। थोड़ा ऐसा प्रेस करके दबा के आप फिट कर दीजिएगा। आप मेरे चैनल को देख रहे हैं तो दोस्तों आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और गैस की पाइप की वैलिडिटी का अवश्य ध्यान रखिए। और ये हमेशा आप मेरे लेटेस्ट वीडियो नए वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। धन्यवाद।